आज जो देश में महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का उदय हो रहा है, ये सर्वनाश का उदय है कि बेटी किसकी है, बहन किसकी है, और बहन की जाति होती है, बेटी की जाति हो लड़कियों, ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज ये देश जो है किसकी बेटी है, ये किस की बेटी है? ना ना ना, ये इस देश भारत माता की बेटी है। और आज जो लोग घर में बैठ कर ये बात देख रहे हैं ना, कल आपकी बेटी का नंबर होगा, आप ये मत कि कल आपकी बहन का नंबर होगा, परसों मेरी बहन का नंबर होगा, कल इनकी बहू का नंबर होगा। अरे ये सफेद पोश भेड़िए हैं, आज आप इनकी नस्ल और फसल नहीं पहचान रहे हो, हम बड़े करीब से जानते हैं। आरएसएस में आज तक कोई महिला अध्यक्ष देखा है आपने? 142 दिनों से डॉक्टर रितु का आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर रितु साफ तौर पर कह रही है कि उन्हें नौकरी नहीं इंसाफ चाहिए, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। और देश के तमाम लोग ऐसे हैं जो खुल करके डॉक्टर रितु का समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ दलित, आदिवासी और पिछड़े ही नहीं, बल्कि जो ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग हैं, वे लोग भी डॉक्टर रितु के समर्थन में खड़े हैं। मेरे साथ हैं अतुल त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आप एक बात बताइए, ये आंदोलन दलित बेटी का आंदोलन, इस आंदोलन में आपका क्या काम है? सारी लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है। देखिए, इस बात में आप मत बांटिए कि बेटी किसकी है, बहन किसकी है, और बहन की जाति होती है, बेटी की जाति हो लड़कियों, ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज ये देश जो है किसकी बेटी है, ये किस की बेटी है? ना ना ना, ये इस देश भारत माता की बेटी है, और इन्हीं जैसी बेटियों से भारत बनता है। ये आपकी बहन है, मेरी बहन है, और आप बताइए, एक महिला को भारत जैसे देश में साहब बड़ा मेहनत और मशक्कत लगता है इस औहदे पर, इस पद पर पहुंचने पे। घर की चार दीवारियां, चौखा, चूल्हा, बर्तन को छोड़कर इन बड़ी बड़ी चमचमाती यूनिवर्सिटीज़ के आकर के पढ़ाने में ये मिसाल है। और आज जो लोग घर में बैठकर ये बात देख रहे हैं ना, कल आपकी बेटी का नंबर होगा, आप ये मत कि कल आपकी बहन का नंबर होगा, परसों मेरी बहन का नंबर होगा, कल इनकी बहू का नंबर होगा। आज जो देश में महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता का उदय हो रहा है, ये सर्वनाश का उदय है। ये इस देश से कहते हैं ना कि जिस देश में नारियों की अगर उपेक्षा हो, वहाँ राक्षसों का वास होता है। और आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने स्वयं अपने अर्धांगिनी को जो है विधवाओं की तरह जीने के लिए मजबूर कर दी। अटैक मत कीजिए मोदी जी के ऊपर। मोदा बहन भारत माता की बेटी है, वो भी एक महिला है, वो भी डॉक्टर रितु की तरह एक महिला है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने भारत माता की बेटी जसोदा बहन को आज जो है विधवाओं की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों बोल रहे हैं? ठोकरे खा रही है। अरे जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वो इस देश की बेटियों का सम्मान करेगा? अरे ये सफेद पोश भेड़िए हैं, आज आप इनकी नस्ल और फसल नहीं पहचान रहे हो, हम बड़े करीब से जानते हैं। आरएसएस में आज तक कोई महिला अध्यक्ष देखा है आपने? ये पितृ सत्ता को मानने वाले महिला विरोधी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। मोदी जी का क्या रोल है भाई साहब? यहाँ दिखाइए, इधर दिखाइए, ये पुलिस की चेतावनी, यहाँ ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ धारा 144 लागू है। अरे इस देश को तुमने जहन्नुम बना दिया है, यही अघोषित आपातकाल है। आप दिखाइए कि जहाँ मन चाहता है वहाँ 144 लगा देते हैं। ये शिक्षा का मंदिर है साहब, यहाँ ताला बंद हुआ है। कहते हैं कि मंदिर और विश्वविद्यालयों में ताला बंद नहीं होना चाहिए, किससे डर रहे हो भाई? कौन से लोग यहाँ पढ़ेंगे? इस देश की बेटियों के लिए क्या यहाँ ताला बंद है? ये संकेत है इस देश की महिलाओं के लिए कि अब तुम्हें पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा है, एक चेतावनी है। बेटी इस देश की सरकार से, इस देश की भाजपा सरकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आज देश की बेटियां। और आज हम उल्लास किस चीज़ का मना रहे हैं साहब? ये आज डॉक्टर रितु हैं, कल मेरी बहन होगी, परसों इनकी बेटी होगी, कल ये जो फौजी खड़े हैं दिखाइए, इनकी बेटियां होंगी। आज ये यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ इतनी फौज क्यों लगाए हो भाई? हम कोई आतंकवादी हैं, देशद्रोही, अपराधी हैं, मर्डरी हैं, कतली हैं?
नहीं साहब, हम इस देश के युवा हैं जो पढ़ने लिखने की बात करते हैं, जो इस सरकार से सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सरकार हमें क्या करना चाह रही है? देखिए, अंदर कुत्ता है, अंदर कुत्ता है लेकिन इंसान नहीं जा सकता। तो यही तो हाँ, यही है ना, अंदर कुत्ता है, कुत्ता घुस सकता है, कुत्ता घुस सकता है, छात्र नहीं, लेकिन टीचर नहीं, देश का छात्र नहीं घुस सकता है। और हर वो जगह आज यहाँ संघ की शाखाएं बनाई जा रही हैं, एक विचारधारा के लोगों को वीसी बनाया जा रहा है, आज तक तो देश के इतिहास में नहीं हुआ साहब। ये हर जगह फूट डाल रहे हैं, आज टीचरों में फाड़ डाल दिया। अरे टीचरों को तो छोड़िए साहब, इस देश के धर्माचार्यों में फाड़ डाल दिया। आज शंकराचार्यों को देशद्रोही बता रहे हैं, जो इस देश के पुरोधा हैं, चारों मठ के शंकराचार्य जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, निश्चलानंद पाकिस्तानी हैं, हाँ उनको मुसलमान हैं। नहीं साहब, वो इस देश के सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं और सनातन धर्म के स्तंभ हैं। आज संतों को बांट देना, इस देश में प्रोफेसरों को, टीचरों को बांट देना, किसानों को बांट देना, जवानों को बांट देना, अंग्रेज तो चले गए लेकिन आज अंग्रेजों के मुखबिर उसी फूट डालो राज करो की विचारधारा पर चल रहे हैं। और ये सभी इस देश की महिलाओं के लिए खतरनाक है। तड़प तड़प कर रो कर इस देश की मेडल लाने वाली महिलाएं, पहलवान महिलाएं रो करके चली गईं साहब। आज भी ब्रिजभूषण जैसे दरिंदे सरकार में बैठे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। एक बात सुनिए मेरी बात, ये सवाल सुनिए हैं जी, सवाल सुनिए। नरेंद्र मोदी देखिए गाय को क्या खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं मोदी जी? तो नरेंद्र मोदी गाय की सेवा करते हैं, बहन बेटियों को सम्मान मिल रहा है, बराबरी का अधिकार मिल रहा है, आज़ादी के 76 साल हो गए, नरेंद्र मोदी का युग है। नरेंद्र मोदी पहले अपने अर्धांगिनी को वो सम्मान दे, बाद में वो देश की महिलाओं का सम्मान कर लेंगे। और हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो अपने धर्म पत्नी को छोड़ के भाग जाता है उसको कायर कहते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये कायर हैं, इनसे देश को डरने की जरूरत नहीं है, इनसे लड़ने की जरूरत है। और डॉक्टर ऋतु उदाहरण है, और उन लाखों महिलाओं की न्याय की लड़ाई लड़ रही है आज ये हमारी शेरनी है। इसे दलित समाज, बहुजन समाज पे ना बांटे, ये भारत माता की बेटी है और अपने अंतिम सांस तक इस भारत माता की बेटी के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, और उस हर महिला के लिए। आज आप बताइए ना कि आज 21वीं सदी में भारत में, उत्तर प्रदेश में NCERB का डाटा है कि आज सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है। NCERB का डाटा है कि दिल्ली में महिला अपराध में टॉप 5 स्टेट में दिल्ली है। आज लगातार जो है बलात्कार, उत्पीड़न आज चरम पर है। आज कहाँ लोग बैठे हुए हैं, कौन न्याय की लड़ाई लड़ेगा? आज देखिए ना संख्या, कब तक रहेंगे आप? घर परिवार छोड़कर आ गए, खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। देखिए हमारी यही मांग है और हम इसी विचारधारा पर चलते हैं कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। तो बदलेगी सूरत? सूरत बदलेगी जब इन यूनिवर्सिटी से संघ के दलालों को जूता मारकर भगाया जाएगा, जब फिर से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में छात्रों की भर्ती होगी, और ये जो तथाकथित आज जो दरिंदे यूनिवर्सिटीज़ में बैठाए गए हैं, जो एक पार्टी के शागिर्द हैं, जो एक पार्टी के विचारधारा के हम रहनुमा हैं, उनसे मुक्त करना होगा इस देश की यूनिवर्सिटीज़ को, इस देश की राजनीति को, इस देश के हर उस संवैधानिक संस्था को जहां से ये देश बनता है और जहां से भारत का निर्माण होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़कर यह आग्रह करना चाहूँगा कि डॉक्टर ऋतु आपकी बेटी है, इस देश की बेटी है और उन करोड़ों महिलाओं के लिए एक आदर्श मिसाल है। अगर ये हार जाएगी तो ये लाखों बहनें हार जाएंगी जो PhD करना चाहती हैं, जो अपने घर से आगे बढ़कर, पढ़कर समाज से आगे बढ़कर अपने गांव, माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हैं। इसलिए एक भावुक अपील करना चाहूँगा बहुजनों से, इस देश के सवर्णों से, इस देश के सभी नागरिकों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस बहन की लड़ाई लड़ें और इस यूनिवर्सिटीज़ को
जो इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको जो है तानाशाही और गुलामी से आजाद कराएं। सर धन्यवाद। सर जय हिंद। कितनी उम्र होगी आपकी? 73। नरेंद्र मोदी की भी उम्र लगभग यही है, 73-74 के आसपास। तो घर में रहिए, बाल बच्चे होंगे, कहाँ आ गए आंदोलन में? देखिए मैं आज आपको ये बताऊं कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ तो किसी भी उम्र में उठाई जा सकती है। कहीं अगर जुल्म हो रहा है तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हम उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। मैं नवीन आपको बताऊं, आपने शायद एक इंटरव्यू मेरा लिया था, मैंने उसमें यही कहा था कि डॉक्टर रितु मेरी बेटी समान है। इधर आ जाइए, लोगों को पता चले कि आंदोलन चल रहा है, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ डॉक्टर रितु, डॉक्टर रितु मैंने आपको, आपने शायद उठा के देखे हैं, आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था और इसी जगह पे लिया था, आज से 2 महीने पहले, शायद 1.5-2 महीने पहले। मैंने ये कहा था कि ये समाज की बेटी है, डॉक्टर रितु मेरी बेटी समान है, और बेटी के साथ जुल्म हो तो हम जैसे लोगों को क्या करना चाहिए ये अच्छी तरह से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ तो खड़ा हो सकते हैं। लेकिन साथ तो खड़े हो सकते हैं, सवाल है कि दिल्ली पुलिस है, आपको भी डिटेन कर लेगी, उठा करके लेकर के चली जाएगी। देखिए दिल्ली पुलिस भी ये अच्छी तरह से जानती है कि वो जो भी कुछ काम कर रही है वो कानून के दायरे में नहीं कर रही। हम यहाँ 28 अगस्त से बैठे हुए हैं, आप ये बताइए 28 अगस्त से लेकर आज तक कोई हमारे लोगों ने, महमूद पराचा साहब ने, भानु प्रताप सिंह ने, बदलिया साहब ने, बेनीवाल साहब ने, या रितु ने खुद या उसकी टीम ने कोई ऐसा काम किया हो जो गैर कानूनी हो? हमने संविधान पुलिस तो कह रही है कि गैर कानूनी काम कर रही है। पुलिस ने तो अभी बोर्ड लगाया है, पुलिस ने तो ये बोर्ड 2 दिन पहले लगाया है, समझे, उससे पहले तो नहीं था बोर्ड। अरे पुलिस कह रही है 26 दिसंबर से लगा हुआ है, 144 यहाँ बिल्कुल नहीं था, यहाँ तो उस दिन लगाया ये इन्होंने पोस्टर, जब जिस दिन ये जो ये इनके धरने को उठाया है, समझे, मतलब रात के अंधेरे में जो इनके धरने को उठाया है उन्होंने, ये उस दिन पुलिस ने लगाया है। मैं तो यहाँ डेली आ रहा हूँ, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी, और अगर था तो पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं उठा दिया? अगर था तो 3 महीना हो गया, इससे 3 महीने से ज़्यादा हो गया, अगर पुलिस ये करिए तो 3 महीने इंसाफ दिलाए घर वापसी नहीं बिना इंसाफ। ये रितु की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। अगर आज रितु कमज़ोर हो गई तो समाज की कोई भी बेटी PhD नहीं करेगी, समाज की कोई भी बेटी, ये ना किसी मजहब से ताल्लुक़ है, ना किसी जात से ताल्लुक़ है, ये एजुकेशन से ताल्लुक़ है। ना किसी मजहब से ताल्लुक़ है डॉक्टर रितु का, ना किसी धर्म से, ना किसी जात से, बल्कि शिक्षा से ताल्लुक़ है। और अगर डॉक्टर रितु को इंसाफ नहीं मिलता तो जो हज़ारों लाखों बेटियाँ हैं देश की, वे लोग इंसाफ के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगी, आवाज़ नहीं बुलंद कर पाएंगी, क्योंकि फिर उनको लगेगा कि डॉक्टर रितु को इंसाफ नहीं मिला तो मुझे क्या इंसाफ मिलेगा। क्योंकि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, और DU में पढ़ाती थी, दौलतराम कॉलेज में, और डॉक्टर रितु को निकाल दिया गया था, और डॉक्टर रितु तब से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं, लेकिन पुलिस कह रही है यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है और तमाम बसों को खड़ा कर दिया गया है, डॉक्टर रितु आप घर आराम से वापस चली जाइए वरना आपको डिटेन कर लिया जाएगा, इसीलिए तमाम पुलिसकर्मियों को लगाया गया है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और डॉक्टर रितु कह रही हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदा, नेशनल दस्तक, DU, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।